स्कूल तराना द्वारा बिना अभिभावकों की सहमति एवं कई अभिभावकों को सूचना दिए बगैर निम्न स्तर की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की गई, जिसमें छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर वीडियो डाले जा रहे हैं एवं अध्यापक द्वारा ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जो कि कई छात्रों को समझ नहीं आ रहा है और न ही अभिभावक इस ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट है। वह स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार ग्रुप में फीस जमा करने के मैसेज एवं कॉल अभिभावकों को करके दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही अभिभावकों द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के कारण अभी वर्तमान में शिक्षण शुल्क माफ करने की मांग की एवं स्कूल का घेराव किया, तब स्कूल प्रबंधक फादर जॉस कुडूर एवं प्राचार्य सिस्टर दीपामोल मैथ्यू द्वारा लिखित में आवेदन मांगा, जिसे जिला ट्रस्ट में भेजकर अधीनस्थ अधिकारी को अवगत कराने की बात कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों को भाग दिलवा कर कार्यक्रम में पहनी जाने वाली ड्रेस के 200 से 300 रुपए अभिभावकों से वसूले जाते हैं एवं प्रोत्साहन में मात्र 50 रुपए की घटिया सामग्री थमा दी जाती है, जो कि अभिभावकों के साथ बच्चों के साथ अन्याय है। स्कूल घेराव के समय अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन से मांग की गई कि स्कूल प्रारंभ होने तक स्कूल फीस माफ़ की जावे, ताकि तत्काल ऑनलाइन क्लास के नाम पर की जा रही वसूली बंद की जाए एवं अभिभावकों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर छात्रों से वसूली हेतु बाध्य ना किया जाए। ऐसी कई मांगें अभिभावकों द्वारा स्कूल प्रबंधन से की एवं त्वरित निराकरण करने की मांग की, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई।